नमस्कार, कैश पर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी अपने दूसरे लहर में एक विकराल रूप ले लिया था, जिसको ध्यान में रखते हुए कंपनी प्रबंधन ने CCC कमेटी का गठन किया। इसके अंतर्गत कंपनी प्रबंधन अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना से बचाव हेतु सुविधाएं मुहैया करा रही थी, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी कंपनी अपने 8 कर्मठ और निष्ठावान कर्मचारियों को खो दिया। तो चलिए इसी संदर्भ में आगे बात करते हैं कंपनी के मानव संसाधन प्रमुख श्री संजय श्रीवास्तव जी से। सर, आप हमें ये बताइए कि कोरोना के दौरान कंपनी ने अपने कर्मचारियों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई? ये दुर्भाग्य है कि हमने अपने कुछ स्टाफों को खो दिया, और आज जिन स्टाफों को हमने खोया है उनमें से कुछ स्टाफ के परिवार को आज हेड ऑफिस में बुलाया गया था, और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय व्यक्तिगत रूप से इनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि उस कोविड के दौरान ये संभव नहीं हो पाया कि प्रबंध निदेशक महोदय उनसे मिल पाए। तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, और इसी संदर्भ में हमने दो स्टाफ के परिवार को बुलाया, उनके जो आश्रित हैं, और जो उनको बेनिफिट्स दी गई हैं, ठीक है, वो बेनिफिट्स जो भी कंपनी की जो HR सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो आप कह सकते हैं, जो एक किसी गवर्नमेंट संस्था में जो एक एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है, वो सुविधाएं उन्हें आज दी गई। जैसे कि स्टाफ को, एक हमारे स्टाफ के परिवार को करीब 38 लाख रुपए की राशि दी गई है, ठीक है, और ऐसे बहुत हमारे जो अदर स्टाफ हैं उनमें कुछ लोगों को 60 लाख रुपए तक की भी राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ आज जो है MD सर ने ये भी बोला कि अगर उनके जो हमारे मृतक साथी थे, जो हमारे स्टाफ थे, उनके परिवार में उनकी पत्नी या उनके बच्चे कोई ऐसा है जो कैस्पर से जुड़ना चाहता है, ठीक है, वो बिल्कुल आवेदन कर सकता है और हम उनको पूरी वरीयता देंगे, ठीक है। किसी भी तरीके से हम ये नहीं, कंपनी प्रबंधन ये नहीं चाहेगी कि हमारे स्टाफ का परिवार किसी भी तरीके से उसके अनुपस्थिति में उसको कोई समस्या हो। तो चाहे वो अगर जॉब की बात हो तो उन्हें जॉब की, अगर उनके पास अहर्यता है तो उनको बिल्कुल वरीयता प्रदान किया जाएगा और उनको मौका दिया जाएगा कैस्पर से जुड़ने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं स्वर्गीय सत्येंद्र कुमार सिंह, जो कि एक वरिष्ठ शाखा प्रबंधक थे, उनके परिवार से। अपनी तरफ से जो भी पूरी सुविधाएं थी सब मुझे मिल चुकी है जी। यहाँ हमको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, हमको का जो भी कुछ कार्य था करना था हमको खुद ही फ़ोन करके हमको बातचीत होता था, बुलाते थे हमको, जो जो फॉर्म डालना था वो सब कुछ हमें बताते थे, पूरी जानकारी हमें देते थे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। आज मुलाकात, क्या क्या बातें हुई आपको, क्या क्या आश्वासन दिया उन्होंने जी? उन्होंने बताया कि जो चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, जो भी सुविधाएँ मिली हैं उनको, बाल बच्चों के लिए, अपने लिए जो भी है, उन्हें सुरक्षित सही जगह पर जो सोचा समझे होंगे उसमें खर्च करें सुरक्षित से, सावधानी से। और आपको कुछ आश्वासन दिया है जी? हमें बोले जी, हमें बताएं कि आप अगर आरोही पद के लिए जो हम फॉर्म डाले हैं उसके लिए हमें जब भी हमारा इच्छा हम कर सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत होगा, कोई ज़रूरत रहेगी बातचीत कर सकते हैं। तो आपकी कंपनी में नौकरी के लिए आश्वासन दिया है, आपने अप्लाई किया है? जी, मैंने अप्लाई किया है आरोही पद के लिए। हमारे हस्बैंड भी कार्य कर रहे थे, उनके जो भी जो ऐसे घटना हो गई हैं होने के बावजूद भी कंपनी ने हमें बहुत ही सहायता दी है, लगभग 37 लाख कुछ और रुपए हमें मिला है, जो कि अपने बच्चों को परवरिश और अपने का ध्यान रखते हैं। सत्येंद्र सिंह का बड़े भाई हूँ। मेरे भाई 12 वर्ष 2 माह से इस कंपनी में काम कर रहे थे। इस कंपनी, ये बहुत अच्छी है, एक कंपनी जो सुविधाएं दे दी है, शायद किसी सरकारी संस्था में ऐसी सुविधा नहीं है आज के डेट में। मेरे भाई को कुल PF हुआ, इंश्योरेंस को लेके
पूरे कंपनी से 37.5 लाख के लगभग अमाउंट मिला है। जो हादसा मेरे भाई के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ अनहोनी ना हो, मैं यही इच्छा करता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं स्वर्गीय कांति सिंह जी जो कि शाखा प्रबंधक थे उनके परिवार से। जब इलाज चल रहा था तब बड़े बड़े अधिकारी कॉल करके पूछ रहे थे और सहायता आर्थिक रूप से सहायता कर रहे थे और मतलब कि अकेला रहने का महसूस भी नहीं होने दे रहे थे और हर एक प्रकार की जो ही प्रॉब्लम होती थी वो सहायता कर देते। हॉस्पिटल में उनके कंपनी की तरफ से आर्थिक रूप से सहायता मिला, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, दवा हुआ की सुविधा करवा दी गई और हॉस्पिटल बेड का उपलब्ध करवा दिया गया। अच्छा, इसके बाद आप जो आज यहाँ पे प्रधान कार्यालय में आए हैं वो आप किस कारण से आए हैं आज? सर, हम यहाँ मेरी माँ का जो भी पैसा ग्रेजुएटी पेंशन जो भी है और बीमा उमा उसके आवश्यकता में आए हैं यहाँ। तो आपको क्या सुविधा मिला? टोटल पैसा 17 लाख मिला जो कि 4000 पेंशन के रूप में भी हर एक माह मिलेगा। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ सर। तो आपको कंपनी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? हाँ, आश्वासन मिला है, जब मेरी पढ़ाई हो जाएगी तब आकर एचआर से डिस्कस करें। आपको सर्विस के लिए मतलब कि कंपनी ने आपको आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया मिला हमको कंपनी की तरफ से और वहाँ बेड भी मिला, दवा भी लोग वहाँ मिला। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।